दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर मंदिर की पहाड़ी से कभी घी टपकता था। हिमाचल प्रदेश के इस मंदिर की पहाड़ी से कभी घी टपकता था, इतना घी कि आप नीचे बड़ा बर्तन रख दें और अगले दिन आकर ले जाएं। बर्तन घी से भरा मिलेगा, लेकिन एक बार एक झूठी रोटी के कारण साक्षात नजर आने वाला चमत्कार तुरंत अप्रभावी हो गया। कैसे और क्यों इस पहाड़ी से घी बहना शुरू हुआ था और क्यों यहाँ से घी बहना बंद हो गया, इसके बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है राजगढ़। धार्मिक आस्था के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ मां शक्ति ने चमत्कार दिखाया था। ये स्थान मंडी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर है। माता के इस मंदिर का नाम है कोलासुर नामक राक्षस के संहार के कारण पड़ा था। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में राजगढ़ की पहाड़ी पर एक चट्टान के रूप में मां का मंदिर विराजमान था, लेकिन इसके बारे में जनमानस को पता न होने के कारण यहां पूजा पाठ नहीं की जाती थी। वक्त बदला और आसपास के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन मातम का माहौल रहने लगा। फिर एक समय ऐसा भी आया कि यहाँ स्थित शमशान दाहुल में हर रोज किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता था, क्योंकि हर रोज यहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। स्थानीय लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि अगर किसी दिन यहाँ शव नहीं जलेगा तो प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, जिससे बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। इस भय से लोग उस दिन यहाँ घास का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार करते, जिस दिन किसी की मृत्यु नहीं होती। लेकिन हर दिन अंतिम संस्कार करके लोग परेशान हो चुके थे और इससे मुक्ति पाना चाहते थे। हर रोज के दुख और दुखदायी संस्कार से बचने के लिए लोगों ने एक साथ मां शक्ति की आराधना शुरू की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर मां शक्ति ने एक व्यक्ति पर अपना प्रभाव दिखाया और वह व्यक्ति मां शक्ति की वाणी बोलने लगा। इसे आम बोलचाल और तंत्र की भाषा में खेलना कहते हैं। जब वह व्यक्ति खेल गया तो देवी का आदेश बताते हुए उनसे कहा, मैं तुम सबका कल्याण करती हूँ, तुम्हें किसी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं, तुम यही मेरी स्थापना कर मंदिर निर्माण करा दो। देवी की पूजा में जुटे लोगों को भरोसा तो हो गया था कि ये देवी की वाणी है, लेकिन फिर भी वे अपने भरोसे को और अधिक पक्का करना चाहते थे। उन्होंने विनती की कि हे माँ, अपनी उपस्थिति का प्रमाण हम भक्तों के लिए प्रस्तुत कीजिए, हम बहुत अचंभे में हैं। इस पर उस व्यक्ति ने, जिस पर देवी आई थी, सामने की चट्टान की ओर संकेत कर दिया। जैसे ही भक्तों ने उस चट्टान की तरफ देखा, चट्टान से घी बहता नजर आया। इसके बाद यहाँ से हमेशा घी बहता रहता था और इसका उपयोग लोग मां की जोत जलाने के साथ ही अपने घरों में भी करते थे। एक बार एक गद्दी यानी चरवाहा उस पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। मंदिर देख वह वहीं बैठ गया और रोटी खाने लगा। फिर उसने अपनी रोटी पर घी लगाने के उद्देश्य से अपनी झूठी रोटी चट्टान से रगड़ दी, जहां से घी बह रहा था। उसकी रोटी पर तो घी लग गया, लेकिन फिर यहां से घी बहना बंद हो गया। पहाड़ी से घी बहना भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था लगातार बनी हुई है। देवी के भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से जो कुछ भी मां से मांगते हैं, मां उनकी इच्छा अवश्य पूरा करती है।